हाय एवरीवन एंड वेलकम टू सीईटी किंग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब आप अपना एमबीए कंप्लीट कर लेते हो तो आपको कौन कौन सी लोकेशन मिल सकती है अपनी जॉब के लिए। तो उन्हें ये अक्सर डाउट रहता है कि सर मैं अपनी एमबीए कंप्लीट करने के बाद क्या अपने होम टाउन में काम कर सकता हूँ क्या। तो आज उनके सारे डाउट्स रिजोल्व हो जाएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीईटी किंग ने लॉन्च किया है अपना कैटिफाई प्रोग्राम फॉर कैट प्रिपरेशन। इसके बारे में आप सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में जो नंबर हैं उन पे कॉल करके ले सकते हैं। तो देखो, मैंने इस चीज को 5 सेक्टर्स में बांटा है। कंसल्टिंग में आप जा रहे हो तो आपकी जॉब लोकेशन क्या रहेगी, अगर आप फाइनेंस से एमबीए करते हो तो आपकी जॉब लोकेशन क्या रहेगी, अगर आप मार्केटिंग से करते हो तो आपकी जॉब लोकेशन क्या रहेगी, आपको जनरल मैनेजमेंट वाले रोल्स चाहिए तो आपकी लोकेशन क्या रहेगी, अगर आप आईटी की फील्ड में जाना चाहते हो एमबीए करने के बाद तो आपकी जॉब लोकेशन क्या रहेगी। तो आइए देखते हैं एक एक चीज को डिटेल में। तो सबसे पहला मैंने रखा है कंसल्टिंग। तो जो कंसल्टिंग वाले रोल्स हैं वो आपको मेट्रो सिटीज या फिर टीयर वन सिटीज में मिलेंगे। टीयर वन सिटीज बोले तो दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली और इसी के साथ साथ वेस्ट और साउथ की थोड़ी सी सिटीज, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, इस टाइप से। अब ये जो काम है इसमें बहुत सारा ट्रैवल है। हो सकता है आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल करो या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करो। तो अगर आप कंसल्टिंग की फील्ड में अपना करियर चाहते हो तो आपको ये जानना पड़ेगा, पहली चीज कि आपको रोल टीयर वन सिटीज में मिलेंगे और इसी के साथ साथ आपका जो ट्रैवलिंग का काम है वो थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा होगा बाकी फील्ड से। दूसरा है फाइनेंस डोमेन। अब फाइनेंस के डोमेन में मेजॉरिटी में दो लोकेशन जो है वो रूल करती है। सबसे पहली है मुंबई, फिर उसके बाद है गुड़गांव, क्योंकि इन्हीं दो लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट बैंक के मैक्सिमम ऑफिस है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स के ऑफिस मतलब गोल्डमैन सैक्स, डॉइश बैंक, मॉर्गन स्टैनली, इस तरह से। और इसी के साथ साथ कुछ फाइनेंस के कॉर्पोरेट्स, उनके ऑफिस भी इसी लोकेशन पे मिलेंगे आपको। तो अगर आप फाइनेंस में एमबीए करने का सोच रहे हो तो अपने दिमाग को रेडी कर लेना कि आपकी जॉब लोकेशन मेजरली मुंबई या फिर गुड़गांव होगी। तीसरी है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग के जो रोल्स हैं वो आपको पैन इंडिया भी मिल सकते हैं और बाहर भी मिल सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि टीयर वन में जो कंपनियां हैं उन्हें ही सिर्फ मार्केटिंग की जरूरत है। कंपनी अगर टीयर टू या टीयर थ्री में भी हो तो भी आपको मार्केटिंग मैनेजर या फिर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें ट्रैवल वर्क भी है और इसी के साथ साथ आपकी जॉब लोकेशन टीयर वन में भी हो सकती है, टीयर टू में भी, टीयर थ्री में भी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी कंपनी के लिए काम करते हो और आपको क्या रोल ऑफर होता है। जो चौथी चीज है वो है जनरल मैनेजमेंट वाले रोल्स। जनरल मैनेजमेंट वाले रोल्स पैन इंडिया ऑफर होते हैं, पर जो मेजॉरिटी ऑफ जनरल मैनेजमेंट वाले रोल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे गुड़गांव, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, हैदराबाद, बेंगलुरु, इस टाइप से। और इसी के साथ साथ जनरल मैनेजमेंट की जो कंपनियां हैं वो अगर आप उनके साथ 3 साल 4 साल काम करते हो तो वो आपको ऑफर करती हैं कि आप उनके इंटरनेशनल ऑफिस में जाके भी काम कर सकते हो। पांचवा और आखिरी है टेक्नोलॉजी सेक्टर। अगर आप सोच रहे हो कि मैं टेक्नोलॉजी सेक्टर को थोड़ा एक्सप्लोर करूं अपने एमबीए के टाइम, जैसे कि मैं थोड़ा एनालिटिक्स में जाना चाहता हूं, या फिर मैं प्योर आईटी कोडिंग इन सब में जाना चाहता हूं, या फिर मैं बिजनेस एनालिटिक्स सीखना चाहता हूं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के जो हब है इंडिया में वो है आपके बेंगलुरु, नोएडा, हैदराबाद और इसी के साथ साथ मुंबई और गुड़गांव में भी कुछ ऐसे आईटी पार्क्स हैं जहां पे आईटी का काम भी होता है। पर जो मेजॉरिटी टेक्नोलॉजी का काम हो रहा है वो हो रहा है बेंगलुरु, नोएडा, हैदराबाद में। ठीक है जी, तो आई गेस अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि अगर मैं एमबीए करता हूं तो उसके बाद मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि मुझे कौन सी लोकेशन में ऑफर मिलेगा। तो आई होप कि इस वीडियो से आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि पूरे YouTube में मेजॉरिटी ऑफ एक दो लोगों ने बताया होगा कि MBA करने के बाद आपको कौन सी जॉब लोकेशन मिल सकती है। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। और इसी के साथ साथ इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द कोर्सेज ऑफर्ड बाय सीईटी किंग देन यू कैन कॉल और व्हाट्सएप एनी ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। ऑल द बेस्ट।